कंटिन्यू करते हैं। अभी रिकॉर्ड किया था मैंने, रिकॉर्ड हो नहीं पाया गलती से। कोई बात नहीं, यहाँ तक हमारा हो गया था प्रीवियस वीडियो में, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। इक्वलिटी सेकंड थिंग जो वो ध्यान देते थे, नेक्स्ट थिंग जो वो ध्यान देते थे इक्वलिटी। उन्होंने कहा कि मैन और मैन और मैन एंड वुमेन, मैन एंड वीमेन, हम सभी में क्या करेंगे, इक्वल इक्वलिटी रखेंगे, यानी सभी को इक्वल ट्रीट करेंगे, ठीक है। उन्होंने कहा हम इंसान को इक्वल ही ट्रीट करेंगे, चाहे उनके कास्ट कुछ भी हो, चाहे उनके पेड़ कुछ भी क्यों ना हो। ठीक है, महावीर बिलीव दैट बर्थ दैट द वर्चुअस डीड्स कुड बी अल्टीमेट सॉल्यूशन निर्माण। उन्होंने कहा कि सबसे वर्चुअस डीड जो हो सकती है, सबसे क्वालिटी वाला जो काम हो सकता है किसी जैन की लाइफ में, वो क्या हो सकता है, अल्टीमेट सॉल्यूशन निर्माण, यानी मोक्ष प्राप्त कर लेना। निर्माण मतलब मोक्ष, सॉल्यूशन मतलब क्या, मोक्ष के सॉल्यूशन दे देना, यही क्या हो सकता है एक अल्टीमेट, मतलब सबसे अच्छा काम तो यही हो सकता है अगर कोई कर पाता है। ठीक है, ऑल लिविंग बींग्स फ्रॉम द टाइनी इंसेक्ट टू द हाइएस्ट फॉर्म ऑफ लाइफ शुड बी सोन कंप्लीशन। छोटे इंसेक्ट से लेकर बड़े हाथी तक जितने भी लिविंग बींग्स हैं, आपको सभी को क्या शो करनी चाहिए, सभी पर कंप्लेशन शो करना चाहिए। कंप्लेशन मतलब मर्सी, मर्सी पिटी काइंडनेस कुछ भी कह सकते हो, ठीक है। उन्होंने एटर्नल सोल के बारे में कुछ बताया, एटर्नल सोल मतलब उन्होंने क्या बताया कि सोल इमॉर्टल है, बॉडी डाइज बट नॉट द सोल, बट नॉट द सोल, ठीक है। उन्होंने सॉल्वेशन के बारे में बताया, सॉल्वेशन मतलब मोक्ष के बारे में। उन्होंने कहा लाइक द हिंदू जेंट्स बिलीव इन मोक्ष और फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिवर्स या फिर सॉल्वेशन या फिर निर्वाण कुछ भी कहो। उन्होंने कहा वो हिंदुओं की थ्योरी में बिलीव करते थे, कौन सी थ्योरी, मोक्ष वाली। ये मोक्ष से सुनिए मैं, मोक्ष सॉल्वेशन निर्वाण फ्रीडम फ्रॉम साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिवर्स के सारे सुनिए मैं, ठीक है। उन्होंने कहा दिस कैन बी अचीव, दिस कैन बी अचीव, मोक्ष आपको मिल सकता है, मोक्ष आपको मिल सकता है, वो कहते बाय लीडिंग ऑस्टर लाइफ बेस्ड ऑन नॉन वायलेंस एंड सेल्फ डिनायल, एक सादा सिंपल लाइफ। ऑस्टर मतलब सादा सिंपल, सादा एकदम सादा सरल ना, सिंपल लाइफ है ना, एकदम ऑर्डिनरी एंड सिंपल लाइफ, और ना ही आप लोग कोई वायलेंस करो, ना ही आप कोई सेल्फ डिनायल करो, ठीक है। एंड टू अटेन सॉल्वेशन इट इज नेसेसरी टू प्रैक्टिस ही रहता है, और अगर आपको सॉल्वेशन अचीव करना है तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आपके लिए नेसेसरी है कि आप प्रैक्टिस करो तीन रत्नों की, जो क्या है, राइट फेथ, राइट नॉलेज एंड राइट एक्शन। और संथर जो भी बोलो उसको, और जो सेले खाना वॉज कंसिडर्ड अ वर्च्यू, यानी भूखे मर जाना, यानी संन्यास करते करते आप अगर भूख से मर भी जाते हो तो ये बहुत पुण्य का काम समझा जाता है, बहुत बड़ा वर्च्यू समझा जाता था। जैनिज्म लेज सो मच स्ट्रेस ऑन सीवियर पेरेंट्स, यानी अगर आप एक अच्छे लेवल का पेरेंट्स करते हो तो ये लोग काफ़ी स्ट्रेस उस पर डालते हैं, है ना, और इतना ज़्यादा कि वेरी पीपल कुड लीड सच एन ऑप्शन है, और बहुत कम लोग ही हैं जो ऐसा कर पाते हैं, बहुत कम लोग ही हैं जो ऐसा कर पाते हैं, और यही रीज़न है कि जैनिज्म या जैन रिलीजन को फॉलो करने वाले फॉलोअर्स बहुत कम हैं। तो सो टफ होता है, हर कोई फॉलो नहीं कर पाते इनका रिलीजन। स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, स्प्रेड ऑफ रिकॉर्डिंग से भी ना चलते, स्प्रेड ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म हैज हैड रॉयल पैट्रोनेज, रॉयल पैट्रोनेज मतलब क्या है, इसकी जो उत्पत्ति हुई है उस पर थिंग मतलब मैं ज़्यादा हिंदी बोल गया, इसका जो ऑर्गन है, इसका जो डेवलपमेंट हुआ, इसका जो बर्थ हुआ ना जैनिज्म का, इस रिलीजन का, ये कहीं पे रॉयल है, रॉयल मतलब रॉयल फैमिली से लोग बिलोंग करते हैं, जैसे महावीर स्वामी है, ये कौन से रॉयल फैमिली से बिलोंग कर देते ना, एक रॉयल फैमिली से, इसीलिए इसको रॉयल पैट्रोनेज बोला है उन्होंने। देखो इट स्प्रेड इजिली, और इसलिए बहुत ही इजिली फैल भी गया, कहाँ फैल गया,
अराउंड कोसला, मगध, मिथिला, चंपा एंड अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। लॉर्ड महावीर फाउंडेड मॉनेस्ट्रीज हेडेड बाय लर्निड मुनीज, यानी जिसको सिडीज बोलते हैं। मॉनेस्ट्री मतलब पता है ना, एक ऐसी जगह जहाँ पर पढ़ाया लिखा जाता है, शिक्षा दी जाती है ना, वहाँ पे तो सरकारी स्कूल की तरह समझ सकते हो, ठीक है। दे लिव्ड इन ऑस्ट्रेलिया टू गिव एन एग्जाम्पल टू द पीपल टू फॉलो। उन्होंने बहुत सादा सिंपल है जी, ताकि लोगों को एग्जाम्पल दे सकें इसे फॉलो करने के लिए। द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया जैनिज्म वॉज पेट्रनाइज बाई द बिजनेस कम्युनिटी। द वेस्टर्न पार्ट में तो बिजनेस कम्युनिटी के लोग भी इसको क्या करने लगे, फॉलो करने लगे। इन साउथ इंडिया जैनिज्म वॉज पेट्रनाइज बाई राष्ट्रकूट एंड चालुक्य किंग्स। राष्ट्रकूट और चालुक्य किंग्स वो लोग भी इसको फॉलो करने लगे। बाद में जैनिज्म बिकेम अ डोमिनेंट रिलीजन इन द कर्नाटक। कर्नाटक में बहुत डोमिनेंट रिलीजन बन गया, बहुत बस यही था और कुछ था ही नहीं ज़्यादा। जैनिज्म स्प्रेड ओडिशा, राजस्थान एंड गुजरात, ऐसे धीरे धीरे फैलता गया। यानी यहाँ पर ये नहीं था कि उद्गम कैसे हुआ, इन्होंने ये बताया कैसे कैसे अलग अलग जगह पर ये फैला पूरे इंडिया में, है ना। और रीजन बता रहे हैं कि रीजन क्यों ऐसे भरा, तो ऐसा क्यों लोगों ने फॉलो को फॉलो को करते थे तो हम पीछे पड़ चुके हैं। इसके अंदर काफ़ी सारी अच्छा अच्छी चीज़ थी, अच्छी क्वालिटीज थी, है ना। पेशेंस वगैरह भी थी, काफ़ी लॉजिकल चीज़ें थी। और कभी इतनी इजीली कैसे फैल गया ये, इतनी इजीली फैल कैसे, इसके रीजन कैसे, क्या क्या थे, क्या क्या फैक्टर्स थे उन्होंने हेल्प किया इसको स्प्रेड होने में। लोकल डायलैक्ट, लोकल लोकल डायलैक्ट, लोकल डायलैक्ट पता है क्या होता है? नहीं पता, लिख लो फिर। लिख लिया इसको आप कैसे लिखोगे? लोकल लैंग्वेज लिखाते हैं आपको, लोकल लैंग्वेज लिखा लो, लोकल लैंग्वेज लिख लो फिर, लिखा लो कि लिख लो। बोली बोलते हैं हिंदी में, उसको बोली है ना, स्थानीय बोली। महावीर अडॉप्टेड द लैंग्वेज ऑफ कॉमन पीपल। महावीर जी ने कॉमन पीपल की लैंग्वेज को अडॉप्ट किया, दैट इज प्राकृत, इंस्टेड ऑफ संस्कृत टू प्रीजी डॉक्टर। उन्होंने ये नहीं कि उनको संस्कृत है तो संस्कृत में वो ज्ञान देते, वो प्राकृत प्राकृतिक लैंग्वेज में ज्ञान देते। प्राकृत मतलब क्या, लोकल मतलब क्या, अगर वो मेरे पास आए तो मेरे को हिंदी में ज्ञान हिंदी में समझाएंगे, अगर वो किसी अंग्रेज के पास आए तो इंग्लिश में समझाएंगे, किसी पंजाबी के पास आए तो पंजाबी में। यानी अगर उनको वो लैंग्वेज आती है तो, है ना, तो उनको उनको अलग अलग लैंग्वेज आती है तो वो अलग अलग लैंग्वेज में समझाते हैं, नहीं कि एक ही लैंग्वेज में समझाएं, ठीक है। ऐसे करता था सामने वाले के लिए समझना काफ़ी ईजी हो जाता था। लेटर द मॉन्क्स फॉलो द सेम प्रैक्टिस, और बाद में मॉन्क्स भी एक प्रैक्टिस फॉलो करने लगे। पीपल फाउंड इट इजियर टू फॉलो द प्रीचिंग्स ऑफ जैनिज्म इन द लोकल लैंग्वेज। उनको इजी, उनको समझ में आ जाएगा लैंग्वेज लोकल लैंग्वेज में, तो बिल्कुल ईजी हो गया इसको फॉलो करना, ठीक है। था पहला क्वालिटी तो ये थी लोकल डायलैक्ट, क्योंकि उन्होंने समझाया, वो समझाया उनको नीच की लैंग्वेज में, उनको समझ में आया लोगों को। रॉयल पैट्रोनेस, रॉयल पैट्रोनेस जैनिज्म रिसीव्ड रॉयल पैट्रोनेस। एक तो यहाँ पे राजाओं का बहुत इन्फ्लुएंस था कि मतलब उसको बड़े बड़े लोग फॉलो करने लगे, तो जब बड़े बड़े लोगों ने फॉलो किया तो छोटी छोटी उनकी जो प्रजा थी वो तो फॉलो करेंगी करेंगी। यहाँ पे किंग्स ने फॉलो किया इनको। चंद्रगुप्त मौर्य इज सेड टू हैव बीन कन्वर्टेड टू जैनिज्म इन लेटर ईयर्स ऑफ हिज रूल। अभी आप मौर्य नेपाल पढ़ोगे तो आप उसमें पढ़ोगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने एक टाइम पर क्या किया था, जैनिज्म ने अपने आप को कन्वर्ट कर लिया, उन्होंने जैनिज्म को अडॉप्ट कर लिया था, है ना। इन द 5th सेंचुरी चालुक्यास एंड राष्ट्रकूट ऑल्सो पैट्रनाइज जैनिज्म। उन्होंने भी अपने यहाँ पे क्या फॉलो कर लिया, जैनिज्म फॉलो कर लिया। खरवेला द रूलर ऑफ कलिंगा, जिसको आज के टाइम पर उड़ीसा कहते हैं, हेल्प्ड इन द स्प्रेड ऑफ जैनिज्म इन ईस्टर्न इंडिया। उन्होंने भी काफ़ी हेल्प की ईस्टर्न इंडिया में जैनिज्म को स्प्रेड करने में, तो काफ़ी किंगों का सपोर्ट मिला है यहाँ पे, तो इसको रूलर पैट्रनाइज बोलो, है ना। संत, देर आर मेनी डेवोट जैन संत लाइक कालकाचार्य who lived in Ujjain and made it center of Jainism. Another Jain संत भद्रबाहु took Jainism to Karnataka. मतलब कह रहे हैं यहाँ पे कुछ, मतलब डेविड, मतलब मैं आपको कहता हूँ इसकी हिंदी में क्या बोलूँ, मतलब आप समझ पा रहे हैं मैं कैसे बताऊँ।
आप रिलीजियस है प्लस के यहाँ पे, मतलब काफी धार्मिक, काफी सबसे मतलब वो थे जैन संत थे कलकत्ता से, जो उज्जैन में रहते थे, उन्होंने इतनी मेहनत की, उन्होंने उज्जैन को जैनिज्म का सेंटर बना डाला, जैनिज्म का सेंटर बना दिया, ठीक है। और दूसरी तरफ कर्नाटक के रहने वाले भद्रबाहु, इनको काफी फेमस माना, तो इनकी वजह से काफी फर्क पड़ा। अपील टू पीपल, एक नाम है अपील टू पीपल, है पीपल फाउंड द रिलीजन अट्रैक्टिव एज इट वाज बेस्ड ऑन ऑस्टेरिटी। वो कह रहे पीपलों को ये काफी अट्रैक्टिव लगा क्योंकि ये सिंपल चीजों पर बेस्ड था, यहाँ पे कोई आपको अलग अलग तरीके के शो ऑफ या अलग अलग तरीके के रिचुअल्स करने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। बाकी तो रिलीजन में अपने सनातन धर्म में ही देख लो तो कितने सारे रिचुअल्स होते हैं, पूजा पाठ में भी काफी सारे वो होते हैं काम, है ना, लोगों को पैसे बहुत खर्च होता है, मतलब ये करो वो करो, ठीक है। तो यहाँ पे काफी सिंपल था, यहाँ पे काफी सिंपल था, लोगों को ये काफी अट्रैक्टिव लगा, सिंपलिसिटी एंड स्पेसिबिलिटी काफी सही लगा उनको। देर वर नो एनिमल सेक्रीफाइस, कोई सेक्रीफाइस नहीं, नॉट देर वॉज एनी क्लास डिस्टिंक्शन, किसी भी कोई भी क्लास का डिस्टिंक्शन नहीं, यानी आपके बीच आप इंसानों के बीच में कोई डिफरेंसेस नहीं, तो काफी लोगों को सही लगा और बस लोगों ने इसको फॉलो किया। तो सिग्नल की रिवाइज करो, है ना, मैं भी गेट लगा कर आता हूँ। डिवीजन इंटू टू सेक्स, सर डिवीजन इंटू टू सेक्स मतलब क्या, जैनिज्म को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, ऐसा भी होता है। हाँ, और होता है, इंसान है वो पता नहीं क्या क्या डिवाइड करते रहते हैं, हर जगह पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो आई जाती है ना। हमारे सनातन धर्म में इंसान ने, सनातन धर्म में लोगों ने लोगों को बांट दिया, लोगों को लोगों से डिवाइड कर दिया, इसको ये बना दिया, इसको वो बना दिया, इसको लोअर उसको अपर, है ना, ST ST पता नहीं क्या क्या, तो यहाँ पे भी थोड़ी ये चीज़ें आ गई। अब उन्होंने डिवीजन इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, दो अलग ही सेक्ट्स बना दिए गए, दो अलग ही ब्रांचेस बना दिए गए, बेसिकली सेक्ट मतलब दो ब्रांचेस बना दी गई, दो ब्रांच बना दी गई यहाँ पर। ड्यूरिंग द टाइम व्हेन भद्रबाहु टू जैनिज्म टू कर्नाटका, देयर आर डिफरेंसेस बिटवीन हिम एंड स्थूलभद्र हु वाज बेस्ड इन मगध, मतलब वो कह रहे हैं जब भद्रबाहु जो जैनिज्म को कर्नाटक में फैला रहे थे, स्प्रेड कर रहे थे, तब एक डिफरेंस राइज हुआ उनके और स्थूलभद्र के बीच में, जो कि मगध में जैनिज्म को स्प्रेड कर रहे थे। तो मीटिंग बुलाई गई, जैसे डिफरेंसेस थे तो मीटिंग, तो डिफरेंसेस को दूर करने के लिए मीटिंग बुलाई गई। तो द फर्स्ट जैन काउंसिल हेल्ड अराउंड 300 BC दी डिफरेंसेस केम टू सरफेस, तो पहले काउंसिल में यानी कि ये डिफरेंसेस की बेस मालूम पड़े, जब फर्स्ट मीटिंग बैठी तभी डिफरेंसेस के बारे में पता चला। एंड एज अ रिजल्ट जैन फर डिवाइड इंटू टू ग्रुप, और इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, इनको दो ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, पहला श्वेतंबर, ठीक है, और दूसरा दिगंबर, अगर आपने कभी सुना हो तो, ठीक है। और श्वेतंबर वो लोग हो गए उनको फॉलो करते थे, दिगंबर वो हो गए जिनको फॉलो करते थे, ठीक है। तो उन्हीं के बेस पे जो सेक्ट बने, इनको फॉलो करने वाले बालों के अलग ब्रांच बन गए, नीचे वालों को फॉलो करने वाले के अलग ब्रांच बन गए, श्वेतंबर या फिर श्वेतंबर तो बोलो व्हाइट क्लैड, ठीक है, क्योंकि श्वेत, ये जो श्वेत वर्ड जो लिखा है, श्वेत का मतलब ये होता है व्हाइट होता है, तो व्हाइट क्लैड इनको बोला जाता है, वो लेड भाई स्थूल भद्र, है ना, स्थूल भद्र ये टीम थी बेसिकली। दे रिमेंड इन मगध, ये मगध में ही रहे, दे वोर व्हाइट क्लोथ, ये व्हाइट कपड़े पहनते थे, इन कवर्ड देयर फेसेस विद अ स्मॉल व्हाइट क्लोथ टू अवॉइड किलिंग दी टाइनीएस्ट ऑफ इंसेक्ट और जम्प दैट माइट एंटर द नोज वाइल ब्रीथिंग। देखो मतलब इनकी सोच कितनी कितनी मतलब प्योर थी उस टाइम पर, कितनी मतलब ज़्यादा केयर करते थे लोग, उन्होंने मास्क
उन्होंने अपना माउथ को कवर करने के लिए मास्क इसलिए नहीं पहना कि वो अपने आप को बचा सके इंसेक्ट वगैरह से, उन्होंने इंसेक्ट वगैरह को बचाने के लिए मास्क पहना। उन्होंने कहा कहीं हम ब्रीथ करते हैं, हम चलते चलते मुंह चलाते हैं अपना, तो कहीं इंसेक्ट उनके नोज़ के अंदर है, उनके माउथ के अंदर आकर वो ना मर जाए। उनका रीज़न था मास्क पहनने का, कितना वो सोचते उनके बारे में। दे फास्टेड बट डिड नॉट बिलीव इन एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ ऑस्टेरिटी, ये फास्ट रखते थे बट ये बहुत ज़्यादा संन्यास वगैरह में सिंपल लाइफ में ज़्यादा भरोसा नहीं रखते थे। ठीक है, दूसरी जो ब्रांच आती है वो आती है दिगंबर्स, दिगंबर्स फॉलोड बद्र, देवर स्काई क्लैड, देवर स्काई क्लैड है ना, एंड डिड नॉट बिलीव इन कवरिंग देयर बॉडीज, ये अपने बॉडी को कवर करने के लिए नहीं रखते थे। अकॉर्डिंग टू दिगंबर्स लिविंग विदाउट क्लोथ्स सिग्निफाइड, अकॉर्डिंग टू दिगंबर्स लिविंग विदाउट क्लोथ्स सिग्निफाइड डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली प्लेजर्स, इनके अकॉर्डिंग अगर आप विदाउट क्लोथ्स रहते हो तो इससे पता चलता है कि आपने वर्ल्डली प्लेजर्स को क्या कर दिया, त्याग दिया, डिटैचमेंट छोड़ दिया, डिटैचमेंट तो क्या छोड़ दिया है। अकॉर्डिंग टू देम वन कुड अवॉइड किलिंग लाइफ लाइफ फॉर्म्स बाय नॉट वेयरिंग क्लोथ्स बिकॉज वाइल वॉशिंग क्लोथ्स मैनी जर्म्स वुड गेट किल्ड। ओहो, इनका ये सोचना था कि अगर आप विदाउट क्लोथ्स भी रह रहे हो तो अभी आप एक तरह से दूसरों की लाइफ बचा रहे हो। कैसे? क्योंकि अगर आप क्लोथ पहनते तो आपके क्लोथ्स में काफ़ी सारे जर्म्स और इंसेक्ट काफ़ी सारे इंसेक्ट्स लग जाते हैं, और जब आप अपने क्लोथ्स को वॉश करते तो वॉश करते टाइम कुछ जर्म्स वगैरह मर जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप इस तरह से भी दूसरों की जान बचा सकते हो। देवर ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स मतलब का रूढ़ीवादी हिंदी में बोलते हैं, जो पुराने सिस्टम्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो, जो पुरानी परंपराओं को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हो। देवर ऑर्थोडॉक्स फॉलोअर्स ऑफ महावीर, ये महावीर जी की सारी बातों को बहुत स्ट्रिक्टली मान देते हैं। देखिए आप लॉन्ग फास्ट लंबे लंबे समय तक फास्ट रखते हैं, लीड एंड ऑस्टर लाइफ और काफ़ी सिंपल लाइफ जीते थे। इम्पैक्ट ऑफ जैनिज्म, जैनिज्म का इम्पैक्ट क्या पड़ा हमारी सोसाइटी पर, हमारे कल्चर पर। जैनिज्म बिलीव्स इन द स्पिरिट ऑफ अकोमोडेशन एंड इक्वालिटी, इट्स अप्रोच वाज प्रैग्मेटिक, इट देयरफॉर हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीपल। काफ़ी वर्ड्स आए हैं जो लिख लो यहाँ पर, आपको नहीं पता था। अकोमोडेशन पता ना, साथ हेल्प, केवल एक हेल्प ही समझ दो उसको, ठीक है, और कुछ मत करने। प्रैग्मेटिक का लिख लो, प्रैक्टिकल है ना, प्रोफाउंड मतलब सीरियस, लिख लिया। वो कहते हैं जैनिज्म जो है वो सात सहयोग में और इक्वलिटी में बिलीफ रखते थे, इनकी अप्रोच काफ़ी प्रैक्टिकल होती थी, इसीलिए हैड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल एंड सोशल लाइफ ऑफ द पीपल, इसलिए इसका काफ़ी सीरियस इम्पैक्ट पड़ा, इसलिए इसका काफ़ी सीरियस इम्पैक्ट पड़ा किस पर, हमारे पॉलिटिकल और सोशल लाइफ का है ना। पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है, इन अर्ली स्टेजेस यानी स्टार्टिंग की बात करें तो इट्स सक्सेस मोर रिमार्केबल देन दैट ऑफ बुद्धिज्म, यानी इनकी जो सक्सेस देखी है तो एक बुद्धिज्म नाम का रिलीजन आया जो इनके बाद आया है उससे ज़्यादा था, उससे ज़्यादा इनकी सक्सेस थी, उससे ज़्यादा इनकी सक्सेस हुई, यानी इससे ज़्यादा उनसे ज़्यादा स्टार्टिंग में सक्सेसफुल हुई। हाउ एवर इट वॉज मेनली द क्षत्रिय क्षत्रिय हु टुक टू दिस न्यू फेथ, यानी वो कहते फिर भी अगर देखा जाए तो मेरे क्षत्रिय लोग थे जो जिन्होंने केवल क्या किया था, ये जैनिज्म फॉलो किया था, उन्होंने जैनिज्म पर भरोसा किया था मेनली है ना। आई आर रियल टू दे लॉस्ट देयर वॉर लाइक इन सिक्स, और धीरे धीरे उन लोगों ने क्या हुआ, क्योंकि अब क्षत्रियों का काम क्या था, लड़ना, और लड़ना जैनिज्म फॉलो कर, जैनिज्म फॉलो करने लगे जहाँ पे नॉन वायलेंस सिखाया जाता है, तो वॉर लाइक इंस्टिंक्ट के अंदर वॉर लाइक इंस्टिंक्ट यानी लड़ने वाली फीलिंग्स चली गई और चली गई। तो इससे क्या हुआ, जो इनके जो एनिमीज होते थे उनको पता चला कि ये तो लड़ेंगे नहीं, तो उन्होंने आए अटैक किया और हमें और उन्हें हरा के चले गए, और पूरा एम्पायर उनका डिस्ट्रॉय कर गए। इट इज़ वन ऑफ द रीजन्स वाई जेंट्स डिड नॉट ट्राई टू बिल्ड एनी पॉलिटिकल एम्पायर ऑफ देयर ओन, इसी वजह से वो कोई एम्पायर बना ही नहीं था। ठीक है,
है, ये इम्पोर्टेंट चीज है, ये एक रीजन भी आएगा कि जैनिज्म डिक्लाइन क्यों हुआ। जैनिज्म तो रीजन है ना, रिलीजन है, ये डिक्लाइन क्यों हो गया, इतना कम क्यों हो गया। सोशल एंड रिलीजियस इम्पैक्ट, सोशल एंड रिलीजियस इम्पैक्ट। जैनिज्म रिस्टार्टेड द सिस्टम ऑफ कास्टिज्म एंड सन डू द रिचुअल्स एंड एनक्रेज सोशल सर्विसेज। इन्होंने कास्टिज्म को बिल्कुल ही हटा दिया, सन द रिचुअल्स जो बेकार के रिचुअल्स होते थे तो उनको इग्नोर करवाया, एनक्रेज सोशल सर्विस, सोशल सर्विस में इन्होंने एनक्रेज करवाया। लैंग्वेज एंड लिटरेचर, जैन स्कॉलर्स हैव मेड एन इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन लिटरेरी फील्ड। द जैन टेक्स्ट वर रिटन इन प्राकृत, बट एट सम प्लेसेस दिस टेक्स्ट वर आल्सो रिटन इन द लोकल लैंग्वेजेस। सर किसी किसी जगह पर तो वो लोगों की लैंग्वेज लिखी रहती थी, लेकिन किसी किसी जगह पर उसी लैंग्वेज में लिखी रहती थी जिस जगह की बुक है, ठीक है। देवर फाइनली कंपाइल्ड इन द 6th सेंचुरी एट बल्लभ इन गुजरात। द अंगस, द 12 बुक्स कंटेनिंग द टीचिंग्स ऑफ महावीर आर अ ग्रेट सोर्स ऑफ नॉलेज। द महापुराण कंपोज बाय जिनासन, कल्पसूत्र कंपाइल्ड बाय भद्रबाहु आदि, एंड रत्न मलिक बाय राष्ट्र राष्ट्रकूट रूलर। अमोघ वर्ष आर आउटस्टैंडिंग लिटरेरी वर्क्स। जैन लिटरेचर इज इन अर्धमगधी एंड प्राकृत डायलैक्ट्स। वो कह रहे थे जैन लिटरेचर थे ना, वो आधी तो मगधी लैंग्वेज में थी, अर्ध मतलब आधा, आधी तो मगधी में थी, आधी प्राकृत लैंग्वेज में थी। एंड द हाईलाइट द वैल्यूज ऑफ अहिंसा, बेसिकली यहाँ पे अहिंसा की बात की जाती थी, नॉन वायलेंस की वैल्यू यहाँ पे होती थी। फ्रॉम द राइटिंग्स ऑफ जैन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्पेशली फ्रॉम 6th और 4th सेंचुरी कैन बी रिकंस्ट्रक्टेड। वो कह रहे हैं इन राइटिंग्स को, अगर इन लेखों को अगर पढ़ा जाए, राइटिंग्स मतलब यहाँ पे क्या लिखावट, अगर इनको लिखी हुई चीज़ों को अगर पढ़ा जाए तो आप 6th से लेकर 4th सेंचुरी तक की जो लाइफ थी इंडिया में, जो हिस्ट्री थी, आप उसको कैसे रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, आप उसको इमेजिन कर सकते हो कि कैसे थे कैसे नहीं थे। दिलवाड़ा टेम्पल माउंट आबू में फेमस टेम्पल है। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे ही फर्क पड़ता है इनके आने की वजह से। जैन्स कंस्ट्रक्टेड टेम्पल्स एंड मोनेस्ट्रीज, इन्होंने कहा टेम्पल्स और मोनेस्ट्रीज में जैन रिलिक्स आर फाउंड इन खंदा केव्स इन ओडिया, केव्स इन ओडिशा। रिलिक्स लिखो, रिलिक्स नया वर्ड है। नोट कर लिए, इसको आप लिखो रिलिक्स मतलब क्या, रिमाइंडर यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। साइन लिखो, साइन निशानी बोलते हैं बेसिकली इसको। जैन रिलिक्स आर फाउंड उदयगिरी केव्स, उदयगिरी केव्स उड़ीसा, यानी उड़ीसा के उदयगिरी और खंडागिरी जो केव्स हैं उनमें इनके निशान, उनके उनमें अभी भी उनके सिंबल्स पाए जाते हैं। जैन कंस्ट्रक्टेड हंड्रेड्स ऑफ धर्मशालाज, है ना, ओपन सिविल ऑर्फनेजेस एंड सपोर्टेड मेनी चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन। इसमें तो कुछ समझा ही नहीं है। द गाइगेंटिक स्ट्रक्चर ऑफ बाहुबली गोमतेश्वर एट सर्वन बेला गोला एट करकेला इन कर्नाटक आर गुड एग्जाम्पल ऑफ जैन आर्ट एंड आर्किटेक्चर। ये काफ़ी, यानी सिंबल है बेसिकली कि उस टाइम पर इनकी आर्ट काफ़ी अच्छी होती थी। दिलवाड़ा टेम्पल्स एट माउंट आबू इन राजस्थान एंड रनकपुर नियर जोधपुर एंड द जैन टावर एट चित्तौड़ आर फेमस फॉर जैन आर्किटेक्चर। ये चीज़ों के नाम याद रखने हैं। जगह भी याद रखनी है, मैं तो कुछ स्ट्रक्चर के नाम लिखा रहा हूँ, आपको जगह भी याद रखनी है। द मोस्ट फेमस जैन होल प्लेस इज पलिटना इन गुजरात विच हैज मोर देन 800 टेम्पल्स, जहाँ पर 800 से ज़्यादा भी टेम्पल्स हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट टॉपिक भी आ गया आपका। डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म, इस चैप्टर से क्वेश्चन तो कंफर्म है, तो डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, ठीक है। और अगर पूरे सिलेबस से बोलो, पूरे सिलेबस से भी एक चैप्टर कंफर्म है, अगर आपके सिलेबस जो आपने मुझे बताया उसके साथ है। डिक्लाइन ऑफ जैनिज्म, डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म, डिक्लाइन ऑफ मॉडर्न एम्पायर, जितने भी आपको एम्पायर दिए जाएंगे, जितने आपको रिलीजन देंगे, उनमें से एक डिक्लाइन वाला क्वेश्चन 101% आएगा ही आएगा। एक क्वेश्चन तो ये पूछना ही पूछना है एग्जामिनर को, तो याद करके चलने आपको डिक्लाइन वाले क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना।
द फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिक्लाइन ऑफ जर्नलिज्म। काफी सारे रीजन थे कि जर्नलिज्म डिक्लाइन हो गया। पहला, एक तो ये बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे सिंपलिसिटी को, ये सिंपलिसिटी को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते थे। इट रोज एट अ टाइम व्हेन बुद्धिज्म आल्सो एग्जिस्टेड, ये एक ऐसे टाइम पर राइज हुआ, ये बेसिकली रीजन है इस टाइम पर राइज हुआ जिस टाइम पर बुद्धिज्म भी एग्जिस्ट करता था। द थ्योरी ऑफ अहिंसा वॉज एक्सटेंडेड इवन टू वियरिंग ऑफ क्लोथ्स। ठीक है, ये अहिंसा तक से लेकर यहाँ तक कि ये कपड़े पहनने तक, मतलब क्लोथिंग तक इनकी जो थ्योरी थी वो काफ़ी सारी एक्सटेंड हो गई। दीज फैक्टर प्रिवेंटेड फ्रॉम गेटिंग पॉपुलर सपोर्ट। इन वजहों से, इन वजह से अहिंसा के ऐसे और एक क्लोथिंग वाले सिस्टम के ऐसे लोगों ने इनको इसको थोड़ा सपोर्ट नहीं दिया। ना रिलीजन डिड नॉट डिस्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज। एक तो ये इंडिया का, इंडिया में लिमिटेड रहा, ये फॉरेन तक नहीं फैल पाया। इट डिड नॉट हैव एनी मिशनरीज इफेक्ट। मिशनरी इफेक्ट मतलब क्या, इसका कोई फॉरेन में एक्सपेक्ट करने वालों की पर्पस था नहीं। ठीक है, तो बस ये थोड़ा लिमिटेड ही रहा ये बेसिक वाले। जेन्युइन डिड नॉट गेट रॉयल पेट्रोनेज फ्रॉम कंटेम्प्रेरी रूलर। कंटेम्प्रेरी रूलर्स मतलब का जो बाद में जो रूलर्स आए उनसे इनको थोड़ा भी सपोर्ट नहीं मिला। इन कॉन्ट्रास्ट टू बुद्धिज्म रिसीव्ड अ लार्ज स्केल सपोर्ट फ्रॉम अशोका, हर्षन, कनिष्क। कंटेम्प्रेरी रूलर्स मतलब क्या, बाद में कुछ ऐसे रूलर्स आए जो एक नहीं एक से ज़्यादा रिलीजन को फॉलो करते थे, एक नहीं एक से ज़्यादा रिलीजन को फॉलो करते हैं। अशोका द ग्रेट कहा जाता है। इनके टाइम पर इनके रीजन में हिंदू फॉलो करने वाले लोग भी थे, सनातन धर्म यानी फॉलो करने वाले लोग भी थे, इस्लाम फॉलो करने वाले लोग भी थे, जैनिज्म फॉलो करने वाले लोग भी थे, बुद्धिज्म फॉलो करने वाले लोग थे, यानी हर तरह के लोग थे यहाँ पर। और इन्होंने खुद, ये खुद हिंदू होकर ये इन्होंने क्या किया, जैन वो बुद्धिज्म को भी अडॉप्ट किया, यानी दो दो धर्मों को फॉलो कर देते। तो कहते हैं ऐसे जो रूलर्स आए, ऐसे जो रूलर्स आए तो इन ऐसे रूलर्स ने जैनिज्म को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं किया। तो ये दिक्कत आ गई कि इनको सपोर्ट बाद में नहीं मिला, इनको बाद में जैनिज्म को सपोर्ट नहीं मिला, तो जैनिज्म थोड़ा डिक्लाइन होने लगा, बल्कि इसकी जगह पर बुद्धिज्म को सपोर्ट मिलने लगा है ना लार्ज स्केल पर। अशोक हुए, किंग हर्षा हुए, कनिष्क हुए, इन्होंने बुद्धिज्म दो किया। दो जैनिज्म एडवोकेट द इक्वालिटी ऑफ मैन, इट डिड नॉट डू अवे टोटली विद द हाई एंड लो पोजिशन इन सोसाइटी। मतलब बेशक उन्होंने इंसान को इक्वली ट्रीट करवाया, बट उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि टोटली विद द हाई एंड लो पोजिशन इन सोसाइटी। यानी अभी भी सोसाइटी में, इनके टाइम पर, जैनिज्म के टाइम पर सोसाइटी में ऐसा तो रहा था कि ये हाई क्लास के लोग हैं, लो क्लास के लोग, ऐसे ऐसा फिर भी रहा था, यानी प्रॉपर ये इक्वलिटी नहीं फैला पाए थे। ड्यूरिंग गुप्ता पीरियड, इन ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड इन लेटर ईयर्स हिंदुइज्म वंस अगेन बिकेम पॉपुलर। हिंदुइज्म फिर अगेन पॉपुलर हो गया। देयर फॉर जैनिज्म इवन रिस्ट्रिक्टेड टू अ फ्यू पॉकेट्स इन द कंट्री। यानी जैनिज्म कुछ ही जगहों पर, कुछ ही जगहों तक के आधार रिस्ट्रिक्टेड रहा। यही तक करते हैं होमवर्क, देखने जगह। इनको साथ साथ याद करते हैं ना, तभी बेनिफिशियल है। ठीक है, इतना ही करना है भी आपको। ठीक है, ये थर्ड का सी, सेकंड का सी, सिक्स सेवन्थ एट, सिक्स सेवन्थ एट। ठीक है।